सत श्रीकाल दोस्तों, गुरुकुल ऑनलाइन दे इस प्लेटफॉर्म पे तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। मैं गुरप्रीत सिंह, पोलीटिकल साइंस डिपार्टमेंट तो। अज आपां पोलीटिकल साइंस के जो लैक्चरर कैडर के एग्जाम की अनाउंसमेंट हो चुकी है पिछले एक दो दिन तो, और आपां डिस्कस भी किया सी उहदे बारे कि अपना एग्जाम कदों हो रहा है। तो दोस्तों उहदे विच लिमिटेड समा सरकार ने आपां नूं जिहड़ा हैगा तैयारी वास्ते दिता है, और सैटरडे आपां इह भी निश्चित किया सी कि मंडे नूं आपां इहदी पहली क्लास लावांगे, क्योंकि समा बहुत ही लिमिटेड है। इस दी तैयारी वास्ते सिलेबस ब्रॉड दे विच हैगा थोड़ा जिहा, और कितना किते सिलेबस है भी पुराना, और पुराना सिलेबस, पुराना पैटर्न, और पुराना जिहड़ा आपां पेपर जे देखीए 2015-16 दे विच जदों रिक्रूटमेंट आई सी, उस वेले दी मानसिकता जिहड़ी पेपर सैटर दी, जो सिलेबस सैटर दी आपां ध्यान च रखदे होए आपां अज डिस्कस करना है। सब तो पहला आपां सिलेबस ही डिस्कस करांगे, क्योंकि जदों आपां सिलेबस नूं देख लांगे, सिलेबस दे गो थ्रू हो जांगे, तां आपां इह कह सकदे 25% रस्ता अपना साफ हो जाएगा। तां आपां सब तो पहला अज सिलेबस है जिहड़ा इसदा ओ डिस्कस करांगे, और उस तो पहला मैं थोनू एक जानकारी दे देनी वाजिब समझदा कि अज जिस तरह क्लासा शुरू हो रही ने, मेरी रिक्वेस्ट थानू ये है कि इस कॉन्टैक्ट नंबर दिता होया गुरुकुल अकैडमी जिहड़ी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है इन्हां दा, और होर भी तुसी देख सकते हो कि इन्हां दे कॉन्टैक्ट नंबर जिहड़े दे दित्ते गए ने, क्योंकि लिमिटेड समय है। इस करके आपां पेड बैच जिहड़ा हैगा नाल दी नाल ही शुरू कर दिता गया है। हुण चाहे बैच तुसीं अज लो चाहे हफ्ते नूं लो, फीस जिहड़ी हैगी उन्नी ही लगनी हुंदी है, पर जिहड़ा काम उह है जिहड़ा टाइम सिर आपां काम नूं हथ पा लईए। जे हुण तुसीं लैंदे हो तां हुण जिहड़ी इंटरैक्शन आपणी हो सकदी है आपस दे विच, कोई तुहानूं डाउट है, कोई तुहाडा पिछला रह गया काम नाल दी नाल हो सकदा है। अगर आपां जिन्ना ही लेट हुंदे जांदे आ तां इह जिहड़ा काम है होर पिछड़दा जांदा है, क्योंकि सारयां दे कोल मैं समझदा वी इक्को जिहा टाइम नहीं है। कोई जॉब कर रहा है, कोई छोटी जॉब कर रहा, कोई प्राइवेट जॉब कर रहा, कोई खेती कर रहा, कोई किसे ना किसे तरह सारे मशरूफ ने अपने धंधे दे विच। तां इस करके मैं उहनां नूं इह सलाह देनी चाहुंदा कि टाइम सिर अपना जिहड़ा हैगा कोर्स परचेज करदे होए ते अपना नाल दी नाल मेहनत करनी शुरू कर देन। नाल दी नाल आपां टेस्ट सीरीज भी रखांगे, इहदे थ्रू तुहानूं पता चलदा जाऊगा कि साडी तैयारी जिहड़ी हैगी है किन्नी है। सो आपां सिलेबस डिस्कस करदे हां। सब तो पहलां सिलेबस दे बारे मैं तुहाडे नाल एक गल सांझी करनी चाहुंदा कि इहनां ने पोलीटिकल साइंस दा सिलेबस जिहड़ा महकमे ने दित्ता है, पिछले कई सालां तों इही चल रिहा है पोलीटिकल साइंस, और ये भुल जाते हैं पेपर सैट करन वाले या सिलेबस सैट करन वाले कि जिहड़ी पोलीटिकल साइंस है या कोई भी सबजैक्ट है उहदी तासीर किस तरह की है, कित्थों सबजैक्ट ये शुरू हुंदा है, पहला सानू की पढ़ना चाहिए है, उस तो बाद सानू की पढ़ना चाहिए है। छोटिया क्लासा दे विच जां ये छोटे मोटे एग्जाम जिहड़े हुंदे 5-4 नंबर की पॉलिटी ही जिहदे विच आउणी हुंदी है, उहदा आपां इह देख सकदे हां कि इंडियन पॉलिटी का कोई भी पोर्शन उपर थले करके पा दिता जाता है। कोई पहला पाता राष्ट्रपति पाता, बाद सुप्रीम कोर्ट आ गई तां कोई गल नहीं, जे पहला सुप्रीम कोर्ट का पूछ लिया बाद राष्ट्रपति का टॉपिक तुसीं सिलेबस पूछ लिया तां इस तरह कोई इस ते इतराज़ नहीं किया जा सकता। परंतु जदों तुसीं लैक्चरर लैवल का एग्जाम कंडक्ट करवाउण जा रहे हो और उहदा सिलेबस तुसीं दिंदे हो कि इंडियन पॉलिटी पहला, हुण देखो पहला पोलीटिकल साइंस जिहड़ी है इह कहिंदी है कि विचार पहला आउंदा और वस्तु उस तो बाद बनती है। फलोसफी यह कहती है कि किसी भी वस्तु का विचार पहला आता है, फिर उस विचार के अनुसार व्यक्ति द्वारा वह वस्तु तैयार की जाती है। पर अपने सिलेबस इस तरह का सैट किया जाता है कि पहला वस्तु बना ली जाती है बाद विचार। फॉर एग्जाम्पल हम तुम शुरू के देखा इंडियन पॉलिटी बारे सब तो पहला पूछा गया है पॉलिटिकल साइंस, और पॉलिटिकल साइंस के तुरंत बाद दस दिता गया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रीएम्बल, जो कि
पोलीटिकल साइंस का एक छोटा जिहा भाग है। सब तो पहला सानू यह पता कर होना चाहिए कि पोलीटिकल साइंस की शुरुआत है ये सबजैक्ट कदों बनया, कितना पुराना सबजैक्ट है, इहदी कितनी किसने किस बंदे ने इहदी शुरुआत की और डिवेलपमेंट के लिए कि फेज आए इस सबजैक्ट के, फिर साइंटिफिकली स्टैप बाय स्टैप आप इस जिहड़ा है स्टडी कर सकते सीगे। पर फिर भी आप इन्होंने चाहे कुछ भी लिखता है आप जो विधिवत जी है शुरुआत करनी हैगी और विधिवत तरीके आप पढ़ा विधिवत तरीके तैयारी करा तो यह सबजैक्ट अपने जोड़ा हैगा हाथ चो बहर नहीं जाएगा। और पोस्टा भावें थोड़ियां ने भावें ज़्यादा ने अपन सारू एक एक पोस्ट ही चाहिए है, ज़्यादा पोस्टा अपन नहीं चाहिए। सो तुम उस पोस्ट वास्ते उस पोस्ट न सुनिश्चित करने वास्ते तुम मेरे नाल आओ तो आप तैयारी शुरू करते हैं। तो इन्होंने सब तो पहले जो भी पॉलिटी पूछी फैडरलिज्म की गल कर ली, सेंटर स्टेट रिलेशंस की गल कर ली, पब्लिक ओपीनियंस इन डिटेल, मास मीडिया फैक्टर्स एंड ऑल कि जिहड़ा वोटर बिहेवियर है उन्हूं की कौन कौन किहड़े किहड़े तत् है जिहड़े प्रभावित करते हैं, तो ये गल्लां हो गईआं। उदों बाद इन्होंने आइडियोलॉजीज की गल की है, आइडियोलॉजीज दे विच लिबरलिज्म, न्यू लिबरलिज्म, मौजूदा समय तक बिहेवियरलिज्म, पोस्ट बिहेवियरलिज्म तक पहुँच जाते हैं। तो जिहड़ी विधिवत शुरुआत हुंदी है मेरा मानना है वह सब तो पहला जिहड़ा इन्हां दा वैस्टर्न पोलीटिकल थॉट है उत्थों शुरू होना चाहिए, जिहड़ा कि इन्होंने 11 नंबर पॉइंट ते लाया होया है। सब तो पहला इन्होंने इंडियन पोलीटिकल थिंकर ही लिखे ने सिलेबस का, आपां नूं सब तो पहला जिहड़ा दा फोर फादर है प्लेटो, सब तो पहला आपां नूं प्लेटो डिस्कस करना चाहिए, उस तो बाद आपां नूं अरिस्टोटल डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि जे आपां पोलिटिकल साइंस की शुरुआत करते हाँ किते ना किते तां आपां सुकरात की गल करते हैं। सुकरात जो कि यूनान का वासी सी और प्लेटो का गुरु सी और किसी ना किसी वक् वक् कारण करके जड़ा यूनान दे एथेंस सिटी स्टेट दे विच सुकरात रहिंदा हुंदा सीगा और उत्थे एक दोष ला के कि ये नौजवानों नूं जड़ा हैगा स्टेट के खिलाफ भड़का रहा है, इस तरह का दोष ला के मुकदमा चला के और उन्हूं सजाए मौत, जहर का प्याला प्या के जड़ा हैगा उसनूं मार दिता गया। तो उत्थों जड़ी हैगी है पोलीटिकल साइंस की सबजैक्ट की शुरुआत होनी शुरू हो जाती है कि साढ़े समस्यावां की ने और किहड़ी समस्या सी जिस करके सुकरात नूं जिहड़ा हैगा जहर का प्याला पीना पिया और ये समस्यावां किस तरह हल हो सकदियां हन। तो उसका जिहड़ा चेला सी प्लेटो बिफोर क्राइस्ट यह यूनान दे जिहड़ा हैगा एथेंस नगर दे विच रहिंदा सी, उसने अपनियां थेरीज दित्तियां जिहड़ियां कि अपने सिलेबस दे विच हैगियां, तां इत्थों शुरुआत हुंदी है। फिर भी जे आपां कहीए यह फिलोसोफिकल फादर ऑफ पोलीटिकल साइंस सीगा, पोलीटिकल साइंस का फादर प्लेटो नहीं सी, पोलीटिकल साइंस का दार्शनिक पिता आपां प्लेटो नूं कह सकते हैं। और उस तों बाद जो इसका चेला सी प्लेटो का चेला सी अरिस्टोटल जां आपां अरस्तू कहने आ, इस व्यक्ति ने पोलीटिकल साइंस नूं एक तां साइंस बनाया। साइंस कोई चीज़ किस तरह बनती है जदों उसदे परीक्षण किए जाते हैं, उन उसके जिहड़े प्रैक्टिकल करके हरेक थां ते जिहड़ा रिजल्ट है इको जा आवे, तां 158 देशों दे जां कह लो सिटी स्टेट्स दे नगर राज्यां दे संविधानां दा जिहड़ा कंपैरेटिव स्टडी कीती अरस्तू ने और वक् वक् थियरीज दित्तियां जिहड़ियां कि बड़िया ही कह सकते हैं यूटोपियन नहीं सीगियां, असल धरती ते लागू हुंदियां सीगियां। तां दूजे नंबर ते अरस्तू दी गल कीती है, तीजे नंबर ते टी एच ग्रीन तां बाद च आउंदे ने, समझौतावादी आउंदे ने। समझौतावादियां दा मतलब यह सीगा कि जिहड़ा स्टेट है जां राज है जो कि पोलीटिकल साइंस दी स्टडी वास्ते एक बहुत ही विशेष तत् मन्या जांदा है। बेसिकली आपां देखिए पोलीटिकल साइंस दी जिहड़ी हैगी है विशा
पोलिटिकल साइंस का विषय यह होंगे कि एक तो स्टेट की स्टडी होंगी है, एक वह कहते भी यदा अंत यदा शुरुआत भी स्टेट नाल होंगे और यदा अंत भी स्टेट नाल, गैटल का ही कहना है स्टेट नाल ही होंगे। फिर स्टेट दियां वे जिहड़ियां इंस्टीट्यूशनस हैगियां इंस्टीट्यूशनस उन्हां दी स्टडी भी आपां इस दे विच गिण लैंदे आ। हुण इंस्टीट्यूशनस किहड़ियां हैगियां जिहड़ियां अपनी पॉलिटी दे विच पॉलिटी वाले पोर्शन दे विच जिहड़ियां लिखियां होईयां ने उन्हां नूं आपां इंस्टीट्यूशनस कहिंदे आ, चाहे उह राष्ट्रपति है, चाहे सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, कैग है, जो अगे आपां पढ़ांगे। तां उह उन्हां बारे गल होई है। फिर इह स्टेट बणिया किवें है, कल्ले स्टेट की गल ले ली उन्होंने कि स्टेट बनया किवें, वख वख थेरीज हैगियां। जे आपां प्लेटो ते अरस्तू तो बाद जे समय दे हिसाब नाल गल करांगे तां, क्योंकि उस वक्त ईसा मसीह जी का जन्म हो चुका सीगा, धर्म का प्रभाव पोपवाद जिहड़ा हैगा वह बहुत हावी हो चुका सीगा, तां उन्होंने ये कहा सी कि जिहड़ा राज है जां स्टेट है यह परमात्मा का बनाया होया है और जिहड़ा इसका प्रतिनिधित्व कर रहा है जो राजा है वह परमात्मा का प्रतिनिधि है और सानू राजे का जिहड़ा हैगा हुक्म मनना चाहिए है। क्यों? क्योंकि यह राजा का परमात्मा का भेजा हुआ प्रतिनिधि है और इस दे हुक्मां नू मनना ही जिहड़ा हैगा साडा धर्म है। खैर अपने सिलेबस च नहीं हैगी है। उस तो बाद इसनू कहिंदे डिवाइन ओरिजिन ऑफ स्टेट, जिहड़े स्टेट का दैवीय सिद्धांत दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत अपने सिलेबस च नहीं है, इस करके याद रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उस तो अगे देखो याद रखने की कोई भी चीज़ रट्टा मार की जरूरत नहीं है, आप समझ के करांगे। इस करके मैं शुरुआत दे विच कहा कि तुसी मेरे नाल नाल चलते रहो, पोलिटिकल साइंस सबजैक्ट बड़े मज़े नाल तुसी समझते हुए इनू पढ़ते जाओगे और ये सबजैक्ट तुहाडा अपना बन जूगा। तो फिर एक आउंदा है कि स्टेट बनिया किवें, उस तो बाद अपने जो सिलेबस के हिसाब नाल दो तीन थिंकर दिते ने, हॉब्स लॉक रूसो, थॉमस हॉब्स, एक तो हॉब्स, एक जॉन लॉक, एक रूसो, ये तीन अजिहे थिंकर ने जिहड़े कि अगे पिछे इन्हां दा इंग्लैंड दे विच जन्म हुंदा है और ये आपदा जिहड़ा सोशल कॉन्ट्रैक्ट थेरी दिंदे है, समाजिक समझौता सिद्धांत, स्टेट समाजिक समझौते द्वारा बनिया होया है, इस इन्हां दा विचार है और इस विचार नूं अपने तर्क द्वारा जिहड़ा हैगा सिद्ध करदे है। आपां भी सिद्ध करांगे जदों इन्हां नूं आपां विस्थारपूर्वक पढ़ांगे, तो स्टेट की जिहड़ी हैगी स्टडी ओह हो जांदी है। इस तों बाद आपां जे देखिए वैस्टर्न पोलिटिकल थॉट दे विच तां आपां टी एच ग्रीन या जर्मी बैंथम, टी एच ग्रीन जिहड़े हैगे है ये लिबर्टी के बहुत वड्डे समर्थक ने, लिबर्टी स्वतंत्रता दे, तां आपां ओह पढ़ांगे। और बैंथम, बैंथम भी कितें ना कितें यह उपयोगतावादी है, जिन्हों इंग्लिश दे विच यूटिलिटेरियनिस्ट बोलते हैं कि स्टेट की उपयोगिता तां है जे वह किसी के काम आउंदा है, जे वह नागरिकां दीआं समस्यावां दा हल करदा है, फिर तो स्टेट है जिहड़ा बनिया रहना चाहिए, एग्जिस्ट रहना चाहिए, अदरवाइज उहदी कोई जरूरत नहीं है। उस तो बाद मैक्स वैबर, कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स जिहड़ा है एक अपने आप दे विच उन्हां वेलिआं दे विच बहुत वड्डा थिंकर सी, मौके ते लोक इहनूं पछाण नहीं सके और उस तो बाद च इसकी थेरी है जिहड़ी पूरे वर्ल्ड ते काबज होई, लगभग हो गई सीगी। मैं इत्थे स्पष्ट कर देना चाहुंदा हां कि कार्ल मार्क्स बारे आपां कह सकदे हां और बहुत सारे वैस्टर्न पोलिटिकल थिंकर ये कहिंदे भी है कि दुनिया दे उपर सब तो वध जां तां लोक परमात्मा नूं जाणदे ने, ते दूजे नंबर ते कार्ल मार्क्स है जिहनूं लोकां द्वारा जाणिया जांदा है, हो सकदा है इंडिया दे विच ना होवे, बाकी यूरप पूरी वर्ल्ड दे विच ये है, क्योंकि उसकी जिहड़ी दित्ती होई फिलोसफी सी उह सी बड़ी कमाल दी। और जिहड़े पूंजीपति देश ने, खास करके जदों कोल्ड वार शुरू होया इस करके शुरू होया सी कि कार्ल मार्क्स की दित्ती हुई थेरी सामवाद की धारणा जिहड़ी पूरे संसार ते
लोहे दे पर्दे दे रूप विच छा रही है। इस करके उन्हू रोकण वास्ते बहुत तरह के जिहड़े हैगे आ पूंजीपति देशों वल्लों कदम उठाए गए, जो कदम कोल्ड वार दे रूप विच जिहड़े हैगे बदल गए। तां इह काल मार्क्स हो गया। और एक अपना रह गया मैक्स वैबर। मैक्स वैबर ने एक सिद्धांत दिता है जो कि बेसिकली यह सोशियोलॉजी सिद्धांतकार ने, सोशियोलॉजिस्ट ने, पर पोलिटिकल साइंस के भी इन्होंने एक सिद्धांत दिता है, उन्होंने भी आप करांगे। उस तो बाद आप पढ़ना है इंडियन पोलिटिकल थिंकर, जिदे विच नेहरू जी आ गए, महात्मा गांधी जी, श्री अरबिंदो घोष, डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी। तो ये आप जिहड़े हैगे आ सब तो पहला इन्हां नूं पढ़ना। उस तो बाद थेरीज नूं पढ़ना, जिवें हुणे मैं दस के गया हॉब्स लॉक रूसो जिहड़े हैगे उन्होंने आपां नूं ये थेरी दित्ती कि पोलिटिकल साइंस दा जिहड़ा इंपोर्टेंट पार्ट हैगा स्टेट, स्टेट किवें बनिया, तां उस नूं जिहड़ा हैगा समझण वास्ते जां समझाउण वास्ते उन्होंने एक थेरी दित्ती है। तां सोशल कॉन्ट्रैक्ट थेरी बारे स्पैशल भी पूछा होया इन्होंने सिलेबस दे विच, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थेरी बारे स्पैशल पूछा होया कि जे राज बनया है तो किवें बनया है। दो थेरियां बारे पूछ लिया, एक तो यूटिलिटेरियनिज्म कि उपयोगतावादी सिद्धांत केड़ा है, जिहड़ा कि जे एस मिल ने या जर्मी बैंथम ने दिता है, मोस्टली जर्मी बैंथम नूं ही कंसीडर किया जाता है। एक तो उस बारे दसना है। दूजा थेरीज ऑफ स्टेट, स्टेट दियां वख वख थेरीज जिहदे विच आपां गल कर चुके हैं, यूटिलिटेरियनिज्म की गल कर चुके हैं, ये थेरी आपां डिवाइन ओरिजिन ऑफ स्टेट की गल कर चुके हैं, आपां सोशल कॉन्ट्रैक्ट थेरी बारे गल कर चुके हैं, और इन्हां नूं आपां ब्रॉड दे विच करांगे। तीसरे नंबर पर आपां चाहे तां कॉन्सैप्ट कर लीए, कॉन्सैप्ट दे विच लॉ, इक्वैलिटी, फ्रीडम, फ्रीडम की थां ते आपां इहनूं लिबर्टी लिखांगे, क्योंकि लिबर्टी लिखिया जांदा है। फ्रीडम ते लिबर्टी च इक छोटा जिहा फर्क है, वह जदों ये टॉपिक आएगा उदों आपां डिस्कस करांगे। लिबर्टी आएगा इत्थे, जस्टिस, न्याय। न्याय की है? आपां जस्ट न्याय यह समझ लैंदे हां कि कोई किसी ने क्राइम किया, पुलिस ने फड़ के कोर्ट कोर्ट च पेश किया, कोर्ट ने उहनूं सज़ा देती, जेल च भेजता, इहनूं न्याय कहिंदे आ। इस तरह का कतई ही नहीं है, और न्याय दीआं बहुत डायमेंशनस हैगीआं ने, जदों आपां डिस्कस करांगे तां जरूर दिमाग की बत्ती जिहड़ी हैगी जलूगी, तुहानूं पता लगेगा कि न्याय की चीज़ हुंदी है। उस तों बाद च स्टेट बारे पुछ लिया, स्टेट बारे ऑलरेडी आपां दस चुके हाँ, और नाल पोलीटिकल अलीट की गल की है। स्टेट दीआं वख वख थेरीज़ हुंदीआं ने, तां पोलीटिकल अलीट इस थेरी बारे पुछिआ कि स्टेट जिहड़ा हैगा भावें अज तो 500 साल पहला सी, भावें हुण है, तो भावें गांह वाले समय च रहेगा, वह कुछ क थोड़े जिहे लोग ही स्टेट ते राज करदे ने जां स्टेट दीआं शक्तियां नूं इंजॉय करदे ने, जिहड़े चाहे तो बुद्धिमान नहीं होण, चाहे वह इंडस्ट्रियलिस्ट होण, चाहे वह मतलब सत्ता दे विच किसी भी तरह बने रहण। तां इह एक थेरी है पोलीटिकल अलीट, किहड़े किहड़े ने, किस किस ने थेरी दित्ती है, ये आपां पढ़ांगे। उस तों अगे पंजाब दा आपां बिल्कुल लास्ट दे विच करांगे, थेरी इन्हां ने दित्ती है ब्यूरोक्रेसी दी, ब्यूरोक्रेसी, BEURO, ये स्पैलिंग थोड़े जे ठीक करन वाले ने। एमरजिंग ट्रेंड्स इन इंडिया एंड USA, ब्यूरोक्रेसी इंडिया दे विच भी है, ब्यूरोक्रेसी फ्रांस दे विच भी हैगी है, ब्यूरोक्रेसी USA दे विच भी हैगी है। सीधा पूछा हैगा कि ब्यूरोक्रेसी दे जिहड़े इमरजिंग ट्रेंड्स हैगे आ, उभरदियां प्रवृत्तियां इंडिया दे विच USA दे विच दोनों च दसो किहड़ियां किहड़ियां हैगियां। और उस तो बाद आपां जिहड़ा करना है, ये तो सेंटर गौरमेंट, इंडियन पोलीटिकल सिस्टम सेम पॉलिटी का ही एक पार्ट है। और उस तो बाद ये भी सेम पॉलिटी का ही एक पार्ट है, थेरीज दित्तियां हुई ने। देखो दोस्तों, एक गल मैं स्पष्ट थोनू दस देनी चाहना, मैं बहुत सारे पंजाब के बहुत सारे जिहड़े हैगे यूट्यूब चैनल्स और बहुत सारे विद्वान साथियां
ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਕਚਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖੇ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਮੇਰੀ ਸਟੱਡੀ ਰਹੀ ਔਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਇਸ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਸਕੋਪ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇਖੇ ਪੁਰਾਣੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲਿਟੀ ਵਾਲੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਮਝ ਕੇ ਔਰ ਉਸੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆਨਸਰ MCQs ਮਲਟੀ ਪਰਪਜ਼ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਹ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਟੋਪਿਕ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਨਸੈਪਟ ਦੱਸੇ ਨੇ ਜਾਂ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਥਿੰਕਰ ਹੈ ਵੈਸਟਰਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਥਿੰਕਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਮੁੱਢ ਕਿਵੇਂ ਬੱਝਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੋਲੀਟੀ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਹੀ ਕਰੀ ਫਿਰਦਾ ਜਾਂ ਹਰੇਕ ਹੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕੁਸ਼ਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 50% ਉਹ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਲਾਂਭਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੁਸ਼ਚਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਪੇਪਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ 2015-16 ਵਾਲਾ ਸਹੀ ਬਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਪੇਪਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ, ਲੋਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਵੇਅਰ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਕਰਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੇਪਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਿਲੇਬਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੁਸ਼ਚਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇ, ਕੀ ਪੇਪਰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੜਬੜ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵਿਧੀਵਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਚਰ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਚਰ ਹੈ। ਕਲਚਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣਾ ਸਾਡੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਚਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰੈਲੀ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੇਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫਰੇਮਵਰਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਚਰ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਸਤਾਂਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਆਮ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣਾ ਸਾਡੇ ਰਿਵਾਜ ਸਾਡੇ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਉਹ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੀਸ਼ਨਲ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਹ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਉਣੇ ਸੁਭਾਵਕ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਜ਼ਰੀਆ। ਤੀਜਾ ਆ ਗਿਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਮ ਜੇਖੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀ ਸਾਡਾ GDP ਵੱਧ ਜਾਣਾ, ਸੜਕਾਂ ਨਵੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਇਨਕਮ ਵੱਧ ਗਈ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਦਾ ਮਾਇਨੇ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ
कोई किसी तो बिना हब दब दे कोई बिना संगण दे बिना किसी तो डरे डुकरे पोलिटिकल एक्टिविटीज़ दे विच पार्टिसिपेट कर रहे ने तां ओ किस मतलब कि वह की अपने फ्रेमवर्क ने उस ते ओ डिवेलपमेंट किवें होई है इस दे भी पांच सत्त जिहड़े हैगे मॉडल हैगे ने तीन चार मॉडल्स जिहड़े बहुत इंपॉर्टेंट ने आपां उन्हां बारे जरूर पढ़ांगे। उस तों अगे आ गया पोलिटिकल मॉडर्नाइजेशन। देखो भौतिक रूप दे विच मॉडर्नाइजेशन बहुत तरह का हो चुकिया हैगा तां पोलिटिक्स दे विच भी पोलिटिकल मॉडर्नाइजेशन आना भी जरूरी है। वह आपां देखांगे कि पोलिटिकल मॉडर्नाइजेशन किवें किवें किस तरह कित्थों शुरू होया और कित्थे कित्थे हुण हो रहा और कित्थे बिल्कुल ही जिहड़ा हैगा मॉडर्नाइजेशन नहीं हो रहा उहदे बारे आपां पढ़ांगे। इस तों अगे पोलिटिकल पार्टिसिपेशन। पोलिटिकल पार्टिसिपेशन इन्हां थियरीज़ नालों थोड़ा जिहा वक्खरा है। पार्टिसिपेशन का मतलब यह है कि लोग भागीदारी करते हैं डिसीजन मेकिंग थियरी दे विच डिसीजन मेकिंग दे विच। हुण कितें भागीदारी घट हुंदी है कितें वध हुंदी है। जिथे अनपढ़ लोग हुंदे उत्थे वोट घट पाउण जांदे आ जिथे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग है वह भी वोट पाउण बहुत घट जांदे आ। तुसीं अपनियां वड्डियां कलोनियां देखो जाके उत्थे लोग वोट पा के राजी नहीं कोई लाइन च लग के राजी नहीं तो फिर डिसीजन कौन लएगा उत्थे। तां लोग चाहुंदे ये ने कि सरकार ये भी कर देवे ये भी कर देवे पर जदों डिसीजन मेकिंग की गल आउंदी है डिसीजन लैण की गल आउंदी है उदों उत्थे कोई वोट पा के भी नहीं राजी। तो आपां ये भी पढ़ांगे थोड़े जे होर अवेयर होवांगे कि वोट पाउणी क्यों जरूरी है। उस तों अगे आ गया कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स जिहड़ी हैगी है साडे देश की पॉलिटिक्स साडे देश का ढांचा अमेरिका का ढांचा घट्टो घट पंज देशों का तो कंपैरिजन करना ही हुंदा है जिहदे विच सब तो पुराना लोकतंत्र है जिहड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी है उत्थे सीमित राजतंत्र भी है वह है यूनाइटेड किंगडम। दूजे नंबर पर आ जाता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तीजे नंबर पर आ जाता है फ्रांस। चौथे नंबर पर आ जाता है स्विट्जरलैंड। पंजवें नंबर पर आप चाइना या USSR कह लो या रशिया कह लो और इंडिया का तो आप पढ़ना ही पढ़ना है। तो ये चीज़ा जिहड़ियां हैगियां आपां सिलेबस दे विच पढ़ांगे भावें थोनों व्याख्या दे विच ये हुण औखियां लग रही ने पर जदों आपां नूं विस्तृत तरीके नाल करांगे तां एक एक गल थोनों समझाई जाएगी और तुसीं इस तरह समझ जाओगे जिद्दां आपां कहानियां नहीं समझदे उस तरह ये सारियां कहानियां जिहड़ियां थोनों समझ च आउणगियां और किते ना किते थोड़ी जिहड़ी लैवल ऑफ अंडरसटैंडिंग है वह भी वधन की संभावना है। उस तो अगे वर्ल्ड पॉलिटिक्स की गल आ गई UNO ये ऑर्गेनस किन्ने एजेंसीज किनिया है ह्यूमन राइट है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जोड़ा है वो सारे पढ़ांगे और उस तो बाद जिम्मे मैं थोन दस्या कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हैगी है। हूँ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की गल करते हैं। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स थेरीज़ के लिखी गई है पर होनी ये इतने चाहिए सी इतने लिखी होनी चाहिए सी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्योंकि इतने कुछ देशों के नाम लिखे हुए ने आपां उन्हां नूं ध्यान च रखते हुए ये स्टडी करनी सी। जिस तरह ये UK की गल की गई है UK का आपां की करना है उत्थों का किंग है आ हुण पिछले दिन ही महाराणी जी की डैथ हुई है उत्थे प्रिंस चार्लस उत्थे किंग बने ने नवें तो यह संस्था क्यों है उत्थे अजे तक हालांकि तरक्की हो गई है लोग तो रजवाड़ा शाहियां खत्म कर दिता गया इंडिया दे विच तां एकदम ही खत्म कर दिता गया सी आजादी वेले। उत्थों की कैबिनेट जिहड़ी हैगी पार्लियामेंट है प्राइम मिनिस्टर है असेंबली ऑफ पार्लियामेंट ये क्यों बनी हुई उत्थे भावें उत्थे राजे रजवाड़े ने फिर भी उत्थे पार्लियामेंट की जिहड़ी सुप्रीमेसी अजे तक भी बनी हुई है क्यों लोग अजे तक भी उत्थे सत्कार करते हैं अपने राजे राणी का वो हो गया। उस तो बाद यूनाइटेड स्टेट्स का जिवें मैं तुहानूं दस्सिया सी घट्टो घट चार पांच देशों की स्टडी होनी चाहिए है उन्हां दा कॉन्स्टिट्यूशन हो गया उन्हां दी फैडरल सिस्टम हो गया क्योंकि उत्थे 50 स्टेट्स ने और 50 स्टेट्स का अजे तक कोई रौला नहीं पिया और अपने जिहड़ियां हैगियां थोड़ियां बहुत जिहड़ियां मैं कहूँगा स्टेट्स है इन्हां दे अजे तक रौले निबड़े ही नहीं हैगे तो उहदा की कारण है डिवीजन ऑफ पावर है डिवीजन ऑफ पावर इहनूं आपां सैपरेशन ऑफ पावर कहांगे जिहड़ा मोंटेस्क्यू ने दित्ता सीगा इह उत्थे भली भांत काम कर रहा है क्यों काम कर रहा है इस बारे भी आपां गल करांगे।
अगे स्विट्जरलैंड सब तो सॉफ्ट स्टेट जिहड़ा हैगा जिन्हें अजे तक किसी भी युद्ध के पार्टीसपेट नहीं किया ना ही इन्ह इन्हों को सेना ही हैगी आपकी अमेरिका ने और बाकी देशों ने इन्हों की जी है रक्षा की जिम्मेवारी ली है तो उत्थे इहोजा की है कहिंदे है कि स्विट्जरलैंड दे विच इंसान नहीं देवते वसदे है उहदा कारण की है वह भी आपां देखांगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USSR हुण USSR तो नहीं रहा पहला 1917 दे विच जिहड़ा हैगा रूस सीगा 1924 च जिहड़ा हैगा USSR बनिया 1991 च USSR खत्म हो गया हुण इह रूस ही हैगा तो वह देखांगे भी की इन्हां दे कंपैरेटिव स्टडी ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन उपरोक्त जिहड़ियां इकाइयां आपां पढ़ियां इन्हां दे ही आपां कॉन्स्टिट्यूशन की भी कंपैरेटिव स्टडी करांगे। इन्हां च कोई भी औखा नहीं होएगा बिल्कुल आम जिहियां गल्लां होणगियां पर यह है कि तुसीं पहलां कदे देखे नहीं इस करके तुहानूं औखा लग रहा। हुण आपां पॉलिटी की गल करांगे ये सारियां चीज़ां पढ़न तो बाद आपां कॉन्सैप्ट की गल कर ली आपां ब्यूरोक्रेसी की गल कर ली हाँ पंजाब पॉलिटिक्स की रहिंदी है ये आपां जदों मर्जी पढ़ सकते हैं विच विचाले चाहे शुरू च पढ़ लो विचाले पढ़ लो लास्ट च पढ़ लो बहुत ही इंपॉर्टेंट और सारिआं दा मनपसंद इहनूं टॉपिक कहांगे क्योंकि पंजाब दीआं जिन्नीआं भी घटनावां हुंदीआं ने इन्हां ते डिपेंड हुंदीआं ने। जिवें पंजाब पॉलिटिक्स की गल श्रोमणी अकाली दल सब तो पुरानी पार्टी इंडियन नैशनल कांग्रेस नूं छड्ड के सब तो पुरानी पार्टी जे कोई आपां देखते हाँ इंडिया दे विच तां श्रोमणी अकाली दल है इन्हें बहुत समा जिहड़ा गा हंडाया वख वख फेज़ां दे विचों दी गुजरी है। ओल्ड सिंघ सभा मूवमेंट जे एस जी पी सी दी कह लो वड्डी भैन सीगी 1873 दे विच जदों जातिवाद दे कारण बहुत सारियां जातियां नीवियां जातियां दूजे धर्मां दे विच जा रही सीगियां तां हिंदू धर्म दे विच स्वामी दयानंद जी ने आरिया समाज चलाया और सिख धर्म दे विच जिहड़े सिंघ सभा मूवमेंट चली। उस तों बाद आपां आजादी तों बाद दी गल करिए पंजाबी सूबा मूवमेंट चली मास्टर तारा सिंह संत फतेह सिंह होरां ने चलाई 1966 दे विच जिस करके मौजूदा पंजाब है जिहड़ा होंद विच आया। पंजाब तां पहलां वी सीगा हरियाणा ते हिमाचल आपां कह सकदे होंद विच आया और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब 1966 वाला। उस तो बाद च एक थोड़े जे होर भी रौले पए बहुत सारे पांच चार स्टेटा ने स्टेट अटोनोमी की मंग की तो एक सरकारी कमीशन बनया मैडम इंदिरा गांधी ने 1983 च बनाया 1985 दे विच शायद 87 दे विच इहदी जिहड़ी हैगी है रिपोर्ट आई उहदे च इन्हां ने कहा कि तुसीं ये जिहड़े सूबे हैगे इन्हां नूं तुसीं वध तों वध अटोनोमी दिओ और बहुत सारे इस तरह के गवर्नर दे जिहड़े हैगे रोल हैगे है उन्हां ते किंतु परंतु होया कि तुसीं ये रोल है जिहड़े इन्हां नूं थोड़ा जिहा कंट्रोल करो तां फिर तां फैडरल स्ट्रक्चर जिहड़ा ऑफ इंडिया ये वधिया रहेगा अदरवाइज़ कलेश होर वधण दी संभावना है। और पंजाब दे विच मिलीटेंसी जिहड़ी आई 1984 तों लैके और 1919 बेअंत सिंह दे कतल तक ये जिहड़ी आतंकवाद कह लो तुसीं खड़कूवाद कह लो वह की कारण सीगे किन्ना समा रही हो ये सारिया चीज़ा आपां पढ़ांगे। इस तों बाद ब्यूरोक्रेसी की आपां गल पहलां कर चुके हाँ और कॉन्सैप्ट की गल कर चुके हाँ पोलीटिकल थिंकरस की गल कर चुके हाँ सोशल कॉन्ट्रैक्ट की गल कर चुके हाँ और ट्रडिशनल थोड़ा रह गया वो बारे आपां थोड़ा होर देख लें फिर कित जाके अपना जिहड़ा हैगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल उसकी जिहड़ी प्रस्तावना नूं प्रियम्बल कहिंदे ने पोलीटिकल पार्टीज़ नैशनल एंड इंपोर्टेंट रीजनल पार्टीज़ और जिहड़े हैगे राष्ट्रीय पद्धर ते किन्नियां पार्टियां ने पहला 8 सी और गुजरात हिमाचल दे इलैक्शन तों बाद ये तुसीं शायद नोट नहीं कीता होना आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है भावें उधर सीटां घट आईयां ने पर वोट परसेंट दे हिसाब नाल इन्हां नूं सफलता मिली है। इंट्रस्ट ग्रुप्स की होंदे ने ये तुसीं देखोगे इंट्रस्ट ग्रुप देख लोगे फैडरलिज्म इन इंडिया सेंटर स्टेट रिलेशनशिप साडा देश वैसे तो यूनिटरी कितें फैडरल जे आपां
आर्टिकल वन की गल करिए इंडिया शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट यूनियन उत्थे लिखा हुआ फैडरल तो लिखा ही फैडरेशन तो लिखा ही नहीं हुआ पर फिर भी नेचर के अनुसार यह फैडरल है वह क्यों है किवें है किहड़े किहड़े जिहड़े हैगे वर्ल्ड के वड्डे आपां कॉन्स्टिट्यूशन के जिहड़े कमेंटेटर ने उन्हां दी गल करांगे किहड़े किहड़े कमेंटेटर ने की कमेंटरी की अपने संविधान ते और जिहड़ा मौजूदा प्रैक्टिकल ते और उस तों अगे पब्लिक ओपीनियन इन डिटेल मास मीडिया फैक्टर ये वोटर बिहेवियर नाल संबंधित है कि इंडिया दे विच जे वोटां पैंदियां ने कोई पार्टी जितती है क्यों जितती है वो पिछे इतिहास की रहा मौजूदा की रहा और आने वाले समय की कितने ना कि आप भविखबाणी भी कर सकते हैं फिर फंडामेंटल राइट्स इन डिटेल्स विद कंपैरिजन ऑफ राइट्स इन अदर कंट्रीज फंडामेंटल राइट्स जिहड़ा मैगना कार्टा ये जिनी प्रशंसा की जाए जिनी डिस्कशन की जाए उन्नी घट है पर आप जिनी चाहिए है जिनी आप पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू तो चाहिए आप करा और एक होर गल लिखी है कंपैरिजन ऑफ राइट्स इन अदर कंट्रीज अदर कंट्रीज के मोटी मोटी दो मिनटों के कंपैरिजन कर सकते हैं कि जिन्हें राइट्स इंडिया के अमेरिकन भी है कनेडा वालों भी है आस्ट्रेलिया वालों भी है न्यूजीलैंड वालों भी है चाइना वालों नहीं है रूस वालों नहीं है अमेरिका वालों हो गया यूके वालों है स्विट्जरलैंड वालों है एक मतलब की डिग्री है इन्हों की ये देखना पड़ेगा सानू उस तो बाद जी है आइडियोलॉजीज लिबरलिज्म न्यू लिबरलिज्म सोशलिज्म गांधीजम फासिज्म नाजिज्म एंड साइंटिफिक अप्रोच टोटलिटेरियनिज्म टोटलिटेरियनिज्म दे विच आपां देखांगे साइंटिफिक टोटलिटेरियनिज्म बिहेवियरलिज्म पोस्ट बिहेवियरलिज्म कुछ स्पैलिंग टाइपिस्ट ने गलत लिखते सीगे तो यह सारिया चीज़ा आपां कंप्लीट करते हुए बड़े सौखे और वधिया समय च आपां कर लांगे अगे ट्रडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोचिज ऑफ पॉलिटिक्स कि परंपरागत अते आधुनिक जिहड़ियां अप्रोचिज ने जिहदे द्वारा आपां पॉलिटिक्स नूं समझ सकदे हां खास करके इंडियन पॉलिटिक्स नूं ओह किहड़ियां किहड़ियां अप्रोचिज ने उपागम ने जिहड़े एक दृष्टिकोण हुंदे ने नज़रिए हुंदे ने जिन्हां दे थ्रू आपां राजनीति नूं समझणा हुंदा वो आप पढ़ांगे सिस्टम अप्रोच ऑफ डेविड ईस्टन मार्केस्ट अप्रोच स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच तो बाकी वो सारे आ चुके सो इस करके मैं हुण आपदे शब्दां नूं विराम दिना कि ये आपां सिलेबस डिस्कस कर लिया आपां किवें किवें पढ़ना सब तो पहला एक टॉपिक थोनू मैं लिबरलिज्म दा पहला करावांगा उस तो बाद जिवें जिवें आपां सीकुएंस दी डिस्कस की है उवें उवें करांगे और बहुत सारिया गल्लां विच विचाले डिस्कस आपां कर लिया सीगियां सब तो पहला तुसीं इस नंबर ते कॉन्टैक्ट करके अपना जिहड़ा कोर्स है वह परचेज कर लेना क्योंकि भावें तुसीं कोर्स अज परचेज करो भावें बाद च करो सारा तुसीं पढ़ना तो हैगा ही है फिर ही सिलेबस है जिहड़ा कवर होगा हुण टाइम नाल कोर्स परचेज करन दा मतलब उहदा फायदा यह है कि तुसीं मेरे नाल नाल पढ़दे जाओगे जे थोनू कोई चीज़ समझ ना आई ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਸਕਰੀਨ ਵੀ ਲੱਗੇਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਕਨਸੈਪਟ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣੇਗੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋਗੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਹੁੰਦੇ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬਾਅਦ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡਡ ਮਿਲਣਗੇ ਫਿਰ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਉਹ ਟੂ ਵੇ ਕਨਵਰਜੇਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਐਮ ਸੀ ਕਿਊ ਉਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਔਰ ਬੜੀ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਚਿਆ ਹੈਗਾ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੱਲ ਲੱਗ ਜਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਚਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰੂਕੁਲ ਔਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ
Thank you.